हेलो एवरीवन। सो स्किन केयर, हाँ स्किन केयर हम लोग कोई करते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो कि लोग अपने स्किन पे ध्यान देते हैं। हाँ, अपने कपड़े पे ध्यान देते हैं, लुक्स पे ध्यान देते हैं, पर स्किन पे ध्यान देना भूल जाते हैं। सो यार, स्किन जो है ना, स्किन पे ध्यान देना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप टीनेजर हो, चाहे आप यंग हो, चाहे आप 25 क्रॉस हो, आपकी कोई भी एज हो, स्किन पे ध्यान देना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम सब जो है बहुत लेजी हो जाते हैं कि यार स्किन केयर का ध्यान नहीं रखना। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्किन केयर करने के लिए बहुत लेजी है। CTM जो है हमारा डेली बेसिस होना चाहिए स्किन केयर रूटीन का। एंड सी स्टैंड फॉर क्लेंजिंग। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पॉमेग्रेनेट का क्लेंजर। इट गिव्स यू रियली नेचुरल ग्लो एंड रिफ्रेश यू रियली वेरी नाइसली। ओके गाइज, सो जस्ट वेट फॉर मिनट गाइज। अब हमें क्या करना है, जब हम अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेंगे, देन हमें एक अच्छे से कॉटन के टॉवल से फेस को डैप करके पोंछना है। और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे फेस का पानी है उसको हम डैप कर करके ही सुखाएं। कभी भी हमें फेस पे क्लोदिंग मटेरियल्स को रगड़ना नहीं है, क्योंकि हमारी स्किन जो होती है वो बहुत पतली होती है और नाजुक होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो है अपने फेस को किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचाएं। ओके गाइस, क्लेंजिंग के बाद जो पार्ट आता है वो हमारा आता है टोनिंग का। क्लेंजिंग के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है टोनिंग, CTM। सो यहाँ पर मैं टोनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का मलबेरी टोनर। एंड आई जस्ट लव दिस टोनर। इसकी जो फ्रेग्रेंस है, दैट्स अमेजिंग। ये इस तरह के पम्प ट्यूब में आता है। अगर मेरी पहले भी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, इसका रिव्यू मैंने दिया है। सो उसके बाद हम इसको फेस पे स्प्रे कर लेंगे। एंड देन इसको अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देंगे। आँख खोल लेंगे आप। और ये जो है ये बिल्कुल नो पैराबेन, बिल्कुल क्रूएल्टी फ्री है। सो इट्स अ रियली गुड टोनर एंड मेरा तो फेवरेट है। इसकी फ्रेग्रेंस इज जस्ट अमेजिंग। और जब तक ये पानी ना सोखे, आपको इसको अपने फेस पे ऐसे ही रहने देना है। इस टोनर के पानी को आपको ये खुद ही आपके फेस पे सूखेगी, इसको आपको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देना है। क्लेंजिंग एंड टोनिंग के बाद जो हमारा पार्ट आता है वो है मॉइस्चराइजिंग का, जो कि हमेशा हम लोग नहीं करते। सो मैं मॉइस्चराइजिंग के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रोज हिप फेस सीरम। सो आपको मैंने बताया था कि मेरा फेवरेट फेस सीरम है। और इसकी पैकेजिंग आप देख लो, छोटी सी है, कन्वीनियंट सी है, ड्रॉपर के साथ में आती है एंड काफ़ी अच्छी है। सो इसको यूज़ करके मैं बता देती हूँ। सो अब टोनर के बाद जो बारी आती है वो है गुड वाइब्स की, मैंने ली है। ये है फेस सीरम एंड ये है रोज हिप फेस सीरम। ये अक्सर हमेशा जो होता है, क्या होता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो मैंने इसकी दो पैकेजिंग ली थी। इस तरह की पैकेजिंग में आती है, कार्डबोर्ड 10 ml की क्वांटिटी होती है एंड प्राइस इसका है 215। बट हमेशा ये आपको किसी ना किसी ऑफर में मिल जाएगी। और आई जस्ट लव दिस सीरम, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। एंड इस तरह के ड्रॉपर में आता है एंड इसको अपने फेस पे हम स्प्रेड कर लेंगे एंड देन धीरे धीरे डैप करते हुए पूरे फेस पे सीरम को अप्लाई कर लेंगे। एंड गाइस, ध्यान रखना है कि ये फेस को जो है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है फेस में, बिल्कुल भी ऑयली या चिपचिपी नहीं लगती। सो आप बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के इसको यूज़ कर सकते हो। चाहो तो लिप्स पे भी लगा सकते हो और अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट लगेगा इसको एब्जॉर्ब होने में। एंड ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है और बहुत अच्छी है, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा फेस पे कहीं पर भी। जैसा कि आप देख रहे हो, ये बिल्कुल मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो चुकी है एंड 1 से 1.5 मिनट इसको भी लगता है एब्जॉर्ब होने में। एंड आई जस्ट लव दिस सीरम। ये आपके फेस को बहुत स्मूथ कर देती है, इतनी ज़्यादा स्मूथ कि शायद आपको प्राइमर की भी ज़रूरत ना पड़े मेकअप करते समय। तो आप इसे एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो मेकअप से पहले। एंड आप देख रहे हो मेरा फेस काफ़ी ग्लोइंग लग रहा है एंड काफ़ी सपल भी लग रहा है। सो दिस इज़ द लुक।
तो CTM करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. तो आप ध्यान रखो कि ये CTM का रूटीन आप दिन में एक बार यानी सुबह के टाइम में आप आफ्टर वर्क आफ्टर योर वर्क आफ्टर फ्रेश होने के बाद ये कर लो एंड एट नाइट टाइम ये यूज़ कर सकते हो. सो इट गिव्स यू अ रियली गुड रेडियंट स्किन. इस तो क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग ये तीनों ही पार्ट हम लोगों को अच्छे से करने हैं जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ. ये आपको फॉलो करना है मॉर्निंग के टाइम पे एंड डे के टाइम पे. अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगी आपको. द फर्स्ट फैक्ट इज दिस कि कभी भी हमें अपनी स्किन पे साबुन यूज़ नहीं करना है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेस पे साबुन यूज़ कर लेते हैं नहाने के टाइम पे शावर लेने के टाइम पे. लेकिन गाइस इस चीज़ का हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हमें कभी भी जो है साबुन को फेस पे यूज़ नहीं करना है. वी शुड ऑलवेज हैव अपने स्किन के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है. फेस वॉश जो मैंने आपको दिखाया वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, बहुत ही अच्छी है. आप चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो, वरना आप अपना कोई भी फेवरेट वाला क्लेंजर यूज़ करो या फेस वॉश यूज़ करो. ओके गाइस, द सेकंड वन इज़ फेस पे जो साबुन या नॉर्मल जो लगाना है वो दो बार ही लगाना है. तो आप जब नहाने के टाइम पे हो उस टाइम फेस वॉश मत यूज़ किया करो, जब आप बाहर जा रहे हो उस टाइम पे फेस वॉश यूज़ किया करो. तो ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें जो है दिन में सिर्फ दो बार ही जो है फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, फेस पे साबुन देना चाहिए. तो रात में आप बाहर सारे या कुछ काम करके आ रहे हो तो उस टाइम पे क्या आपका फेस गंदा, तो आपको तो एक बार उस टाइम पे यूज़ करना है. एक टाइम आप जब निकल रहे हो घर से बाहर उस टाइम यूज़ कर लीजिए, शावर के टाइम पे मत कीजिए. तो ध्यान रखिए कि मैक्सिमम आप दो या तीन बार ही जो है अपना फेस वॉश करो, उससे ज़्यादा ना करो. थर्ड फैक्ट इज़ यही है हमारा कि हमें प्रॉपर हाइड्रेशन देना है फेस को, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, मॉइस्चराइजिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये रूटीन जो मैंने आपको बोली है, अगर आप बहुत लेज़ी भी हो तो भी आप किया करो. फेस पे कभी भी मेकअप लगा के नहीं सोना है, इससे रिंकल्स आ सकते हैं, फेस के इनर क्वालिटी ख़राब हो सकती है. तो दिन में दो बार तो ये ज़रूर यूज़ करना है. CTM के रूटीन को प्लीज़ हार्डली आप फॉलो करो. सो ये थे मेरे तीन फैक्ट्स जो मैंने आपको बता दिए. चाहते हो कि मेरी वीडियोज़ और देखने को मिले आपको तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर देना. मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और जल्दी जल्दी अब वीडियोस पोस्ट करूंगी. सो प्लीज़ गाइस, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो. सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए. मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए.